हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, YouTube का एक नया अपडेट आया है जिसमें मोनेटाइजेशन से रिलेटेड है। जो भी नए यूट्यूबर हैं उनके लिए काफी अब मुश्किल होने वाला है कि पहले जो था 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम का रूल फॉलो करना होता था, उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने पे वो अप्लाई हो जाता था। लेकिन अब नया रूल आ गया है कि आपके चैनल पे कोई भी स्ट्राइक नहीं रहना चाहिए। अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक रहेगा तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए नहीं वेरीफाई होगा। अगर आपका वार्निंग स्ट्राइक रहेगा तो मोनेटाइजेशन के लिए आप वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन स्ट्राइक रहेगा तो नहीं होगा। सो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा, YouTube का ये नया अपडेट, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कुछ सवाल या जवाब कर सकते हैं। YouTube का जो नया अपडेट आया है इसमें बहुत सारे यूट्यूबर जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे यार मैं क्या करूं, अब तो YouTube ने ये स्ट्राइक वाला सिस्टम लगा दिया है, अब कैसे स्ट्राइक को हटाना होगा। सो गाइस, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ओरिजिनल कंटेंट बनाइए जिससे आपका चैनल पे कोई भी क्लेम नहीं आए, कोई भी स्ट्राइक नहीं आए। आई होप कि वीडियो काफी पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मन में कोई कंफ्यूजन या सवाल हो तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।